ओके लगता है लाइव चालू हो गया है। नमस्कार नमस्कार आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं मनीष रावत हैदराबाद से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और लोग भी आ जाएं, मैं वेट कर रहा हूं। आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन। नमस्कार देवेंद्र तिवारी जी, जय माई की। देवेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र जी। सनी सिंह जय हो आपकी, नमस्कार। सिंह साहब नमस्कार आपको। कौन कौन मुझे देख रहा है कृपया लाइक करके मुझे बताएं, जिससे मैं सभी लोगों को देख पाऊं। जो लोग शेयर करेंगे मेरी लाइब्रेरी बनती है कि पहले मैं उन लोगों को बता पाऊं। गौरव गग्गी नमस्कार, शोभा शर्मा जी नमस्कार, भाई जिसके भी जो अपने क्वेश्चंस हैं वो मुझे भेजते जाइए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। जो कुंडलियाँ मेरे पास में आई हैं जी, देवेंद्र तिवारी जी 15 दिसंबर अपना मुझे आंसर भी लिख दें, क्वेश्चंस भी मुझे आप लिखते जाइए अपने। आपने 12:59 PM AM नहीं लिखा है कुछ भी। विवेक शर्मा जी स्वागत है आपका, विशाल पुरंदर जी स्वागत है आपका। प्लीज़ डेट ऑफ बर्थ सही डालें। देवेंद्र तिवारी जी 12:59 AM है PM है मुझे नहीं मालूम है, और क्या क्वेश्चन है आपका ये भी मुझे नहीं मालूम है। गरिमा शर्मा स्वागत है आपका। आप सभी लोगों का स्वागत है। जय गजानन विशाल जी, जय गजानन, जय गजानन। देवेंद्र तिवारी जी आपका 12:59 AM PM है मुझे नहीं मालूम है, आप बताइए 12:59 क्या है आपका। 12 दिसंबर डिटेल पूरा दीजिए मुझे, और लाइव शेयर करिए। फर्स्ट लाइब्रेरी मेरी उन्हीं को बनती है जो लाइव शेयर कर रहे हैं, फर्स्ट लाइब्रेरी उनके क्वेश्चन की बनती है जो लोग लाइव शेयर कर रहे हैं जी। सनी सिंह जी, अनिकेत सिंह, बिल्कुल 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 बताऊँगा मैं सनी जी आपको, आप बने रहिए सनी जी। ओके 12:59 PM देवेंद्र जी आप शेयर करेंगे, मेरे पे यहाँ निशान आ जाएगा शेयर का। जो लोग शेयर कर रहे हैं मेरा लाइव वीडियो, फर्स्ट लाइब्रेरी मेरी उनकी बनती है जिससे और लोगों को भी लाभ मिले, आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार सभी लोगों को इसका लाभ मिले। अभिनाश शर्मा जी स्वागत है आपका। चलिए मैं आज का पहला क्वेश्चन लेता हूँ। श्री प्रकाश जी आपने शेयर किया है मेरा वीडियो, तो पहली लाइब्रेरी मेरी आपको बनती है। श्री प्रकाश जी जय सवाल, ये 6 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नहीं लग रही है जॉब। ओके देखिए श्री प्रकाश जी मैं आपको बताऊं, आपकी कुंडली कर्क लग्न की है, लग्न अष्टम में सूर्य के साथ हैं, गवर्नमेंट जॉब तो आप भूल ही जाइए, स्थिति बहुत खराब है। तो गवर्नमेंट जॉब के अलावा किसी और सेक्टर की आप तैयारी करिए, तो
तो ज़्यादा बेस्ट है। त्रिपुरेश पांडे जी बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत पांडे जी आपका। जो लोग शेयर कर रहे हैं पहली लाइबिलिटी मेरी उनकी बनती है भाई आंसर देने की। दूसरा प्रश्न है जसप्रीत कौर चंडीगढ़ से, 7th of December 1982 3 AM ओके, डिवोर्स हो गया है, शादी कब होगी? ओके ओके, भाई जो भी शेयर करता हूँ उनका निशान मेरे पास में आ जाता है यहाँ पर, तो पहली लाइबिलिटी मेरी उन्हीं को बताने की बन रही है। जसप्रीत जी आपके सप्तम भाव में शनि और मंगल का योग है, बी वेरी वेरी केयरफुल। आप अगली जो भी शादी का प्लान कर रही हैं बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि शनि और मंगल की युति आपके सप्तम भाव में है, जो कि एक बार पुनः आपको डिवोर्स का योग बनाती है। प्लीज़ जो लोग मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर रहे हैं कृपया मैसेज ना करें, मुझे डायरेक्ट मेरी वॉल पे ही करें आप, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छा बता पाऊँगा। जी अगला क्वेश्चन है भवानी हैदराबाद, भवानी हैदराबाद, December 30, 1977 16:40 ओके ओके ओके। IIT की तैयारी कर रही हैं, नहीं हो रहा है? देखिए जो लोग शेयर कर रहे हैं मेरा वीडियो मेरी लाइब्रेरी पर उन्हीं को बताने की बन रही है, और सबसे पहले क्वेश्चंस मैं उन्हीं लोगों के ले रहा हूं जो लोग लाइव शेयर कर रहे हैं, जो लाइव शेयर कर रहे हैं पहले लाइब्रेरी मेरी उन्हीं को बताने की बन रही है, उन्हीं को बता रहा हूं मैं। जी अनिता मलिक जी आपका क्वेश्चन मेरे पास में आ गया है, डिप्रेस्ड है आप, प्लीज शेयर जरूर करिए। अभी कितने शेयर है मैं देख रहा हूं, भाई शेयर करने वालों के ही मैं पहले ले रहा हूँ, पहले क्वेश्चंस मैं शेयर करने वालों के ही ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है श्रीधर रेड्डी बेंगलोर से, 16 February 1968 2:40 PM बेंगलोर, राजनीतिक कैरियर कैसा रहेगा? वाह सर वेरी गुड, दशम भाव में आपके उच्च के शनि बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है आपका राजनीतिक कैरियर, बेस्ट है। शनि की मदशा आपको 20 November 2024 में आपको आएगी, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ आपके जीवन का सुनहरा समय है। शनि आपके दशम भाव में उच्च के बैठे हैं श्रीधर जी, आपके लिए पॉलिटिकल लाइफ बेस्ट है आपके लिए। देवेंद्र तिवारी जी शेयर करिए, यही लाइब्रेरी उन्हीं की बन रही है जो लोग मेरा वीडियो शेयर कर रहे हैं। अनिता मलिक जी शेयर करिए, पहले मैं उन्हीं के क्वेश्चन ले रहा हूँ जो लोग शेयर कर रहे हैं मेरा वीडियो, ताकि और लोगों को भी लाभ मिले। रीता भारद्वाज शादी नहीं हो रही है ओके, 16 November 1989 2:30 PM लुधियाना पंजाब। रीता जी सप्तम भाव में आपके मंगल हैं, सप्तम भाव में जिसके मंगल होता है उसके दो या तीन बार फिक्स होने के बाद में मैरिज का ब्रेकअप हो जाता है, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। कम से कम तीन बार मैरिज फिक्स होने के बाद ब्रेक होती है तभी जाके कहीं संबंध बनेगा, और आपकी कुंडली में आपके विवाह का संबल 23 November 2022 के बाद आपके योग बनेंगे। रीता जी मैं देख रहा हूँ सर, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन लीजिए। शशांक जी शेयर कीजिए, लाइव शेयर कीजिए, क्योंकि पहली लाइब्रेरी मेरी उन्हीं की बन रही है, जो लोग लाइव शेयर कर रहे हैं मेरा वीडियो पहली लाइब्रेरी मेरी उन्हीं की बन रही है। रवि पांडे जी स्वागत है आपका, गोपाल जी स्वागत है आपका। अगला है मनविंद्र कौर चंडीगढ़ से, मनविंद्र जी ने भी शेयर किया मेरा वीडियो, विवाह कब होगा?
धर्मेंद्र जी, राहु चंद्र का ग्रहण लगा हुआ है आपके सप्तम भाव में, आपके सप्तम भाव में राहु चंद्र का ग्रहण लगा हुआ है। सप्तम भाव में ग्रहण का मतलब है विवाह बहुत देर से होना, जिससे होगा लड़का बहुत अधिक उम्र का आपको मिलेगा। ये पूरे पूरे सप्तम भाव के शनि के संकेत बनते हैं और विवाह आपका 2024 के बाद 100% होगा। तनुज जीवन शर्मा जी नमस्कार। देखिए पहले क्वेश्चंस मैं उन्हीं के ले रहा हूं जो लोग मेरा वीडियो लाइव शेयर कर रहे हैं, पहले मैं उन्हीं का ले रहा हूं। अच्छा तनुज जी का है, डांस रियलिटी शो में रुक गया है। ओके 26 अगस्त 1990 मैं देख रहा हूं तनुज जी आपका, 26 अगस्त 1990 वेट 26 अगस्त 1990। ओके 11:15 PM ओके। अलीगढ़ यूपी। तनु जी शनि की माधु से आपकी चल रही है, वृषभ लग्न है आपको। आपका लाइव शो जो है मैं बता दूं आपको, 24 सितंबर के बाद में शनि आपका भाग्य से 24 सितंबर के बाद में आपकी जो जो भी रुकावटें आ रही हैं वो ओपन हो जाएंगी। डोंट वरी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप तनु जी। मैं देख रहा हूं भाई शेयर करने वाले कितने लोग हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास जयप्रकाश शर्मा दिल्ली से, इनकी नौकरी चली गई है। ओके डेट ऑफ बर्थ 20 नवंबर 1986। ओके ओके ओके। सर आपका तो भाग्य भी अष्टम में पड़ा हुआ है, प्लीज ये पुखराज पहनिए और नए साल 2021 में 15 जनवरी के बाद आपकी नौकरी के योग बन रहे हैं जी। शनि कुमार जी बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको। भाई जो लोग शेयर करते जा रहे हैं अपने कमेंट के साथ बता दीजिए कि हमने शेयर किया है, जिससे मैं उन लोगों के भी आंसर लेता जाऊँ, क्योंकि जिन लोगों ने शेयर किया है पहले लाइब्रेरी में उनके बताने की बन रही है। अगला क्वेश्चन मेरे पास में है ललित कुमार जी, 14 नवंबर 1988। ओके ये यूपी ललितपुर से क्वेश्चन है, शादी नहीं हो रही है। ओके सर ढैया शनि की बाधी आपकी शादी के योग बनेंगे 2021 में ढैया शनि खत्म होने के बाद ही आपके शादी के योग बनेंगे। 1.5 व्यक्ति का मोती राइट हैंड की लिटिल फिंगर में हमेशा पहन के रखें आप, बेस्ट है आपके लिए। कीर्ति तिवारी 16 अगस्त 1995 2:40 PM दिल्ली। ओके लव मैरिज के क्या योग हैं, कीर्ति जी क्वेश्चन कर रही हैं लव मैरिज के क्या योग हैं। प्रीति जी आपकी 100% इंटरकास्ट मैरिज होगी, क्योंकि 7th हाउस में राहु और शुक्र एक साथ बैठे हैं। आपकी मैरिज 100% जो है इंटरकास्ट होगी, लेकिन प्लीज बी वेरी केयरफुल, सप्तम भाव में राहु के साथ शुक्र का बैठना लव मैरिज सक्सेस नहीं करता है, सो बी वेरी 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 केयरफुल जी। शशांक जी मैं आपका क्वेश्चन भी ले रहा हूं, शशांक जी प्लीज अगेन डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे अपना। अगला क्वेश्चन है मेरे पास वर्षा अग्रवाल दिल्ली से बोल रही हैं। ओके 29 नवंबर 1991 8:30 PM दिल्ली। ओके इनका भी लव मैरिज का है कि लव मैरिज होगी या नहीं। नहीं वर्षा जी आपकी अरेंज मैरिज होगी,
लव करने का भूल के भी नहीं सोचिएगा, नहीं तो फेल हो जाएगी जी। देवेन जी बिल्कुल बता रहा हूं मैं आपको। संगीता जी पूरा डिटेल्स भेजिए मुझे, आपका डेट ऑफ बर्थ भेजिए मुझे। व्हाट अबाउट जॉब? संगीता जी डिटेल्स पूरा भेजिए तभी बता पाऊंगा मैं आपको जी। देवेन तिवारी जी मैं अभी बता रहा हूं आपको। देवेन जी, देवेन जी का डिटेल्स है 12 दिसंबर 1989। ओके ट्वेल्व फिफ्टी नाइन पी एम झांसी यूपी। ओके झांसी। देवेन तिवारी जी का क्वेश्चन है नौकरी को लेके। ओके 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 सर, राहु की माता चल रही है देवेन जी, ये जिसकी भी कुंडी है राहु की माता चल रही है आपको। हालांकि राहु कर्क का है तो कर्क का राहु जो है वो खराब नहीं होता, तो आप निश्चिंत रहिए नौकरी तो 100% लगेगी, लेकिन सही समय आने पर 11th of May 2020 के बाद में जो है वो नौकरी के योग बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास में है। ओके मनोज वर्मा चेन्नई से, मनोज वर्मा बोल रहे हैं चेन्नई से। 26 नवंबर 1991 1:40 PM। ओके ओके जॉब चली गई है मनोज वर्मा जी की। ओके ओके ये सॉफ्टवेयर कंपनी में थे मनोज जी और इनकी जॉब चली गई है। मनोज जी 1st of September के बाद, 1st week के बाद आपके जॉब के चांसेस बन रहे हैं, डोंट वरी। और अगर जॉब लग जाए तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे या फिर मुझे ईमेल करके दे सकते हैं आप। जॉब आपको 100% लग जाएगी। एक 5 मुखी रुद्राक्ष आप हमेशा पहन के रखिए जी। शशांक त्रिवेदी जी मैं आपका भी देख रहा हूँ। प्लीज आपके क्वेश्चन भी मुझे लिखते जाइए, क्वेश्चन क्या है आपके। ओके शशांक त्रिवेदी, 6 अगस्त 1990। ओके आठ पांच भिंड। ओके 8:05 भिंड। ओके एम। ओके भिंड मध्य प्रदेश जी। शशांक तिवारी जी मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं, आप बहुत देर से मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, आपका क्वेश्चन है। ओके जॉब प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। ओके शशांक तिवारी जी आप सुन रहे हो तो लाइक करके मुझे बताइए एक बार क्या आप मुझे देख रहे हैं। शशांक जी बहुत मुश्किल है आपकी सिविल सर्विसेज, क्योंकि आपका लग्न है सूर्य जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है और 6ठे घर में राहु चंद्रमा का ग्रहण लगा हुआ है। बहुत मुश्किल है आपका सिविल सर्विस में प्रिपरेशन, तो प्लीज़ कुछ और देखिए आप तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन मेरे पास में है। ये अनीता मलिक हैं, ये मुझे मैसेंजर पर बहुत देर से मैसेज कर रही हैं। अनीता जी अगर आप हैं तो लाइक करके मुझे बताइए मुझे क्या आप हैं। अनीता मलिक अगर आप हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करके बताइए, क्योंकि मैं आपका आंसर ले रहा हूं। चलिए मैं अगला आंसर लेता हूं। श्वेता तिवारी बात कर रही हैं बेंगलोर से। 15 नवंबर 1993 2:40 PM बेंगलोर। ओके शादी कब होगी? ओके वेरी गुड। श्रोता जी आपका लग्न अष्टम में है, शनि सप्तम में है, सॉरी शनि आपका। आपको लड़का बहुत अधिक उम्र का मिलेगा और 3 साल का वेट करिए आप, थर्सडे का फास्टिंग करिए, एक पुखराज पहनिए आप, आपके लिए बेस्ट है। अगला क्वेश्चन है वर्षा गुप्ता ग्वालियर से। ओके 26 नवंबर 1992 2:30 PM ग्वालियर। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज? वर्षा जी आपके लव के चांसेस तो हैं, चल भी रहा है आपका, लेकिन वो मैरिज में कन्वर्ट होगी या नहीं इस बात को लेके कोई भी सटीक आंसर नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं क्लियर बता दूंगा आपको कि आपको अपने रिलेशन में धोखा या चीटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल। और आपकी लव मैरिज भी
सक्सेस नहीं होगी तो प्लीज़ कुछ और विचार बनाइए और अपना ट्रैक जो है वो चेंज करिए। जी पिंकी जी, आपका डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजिए। पिंकी जी आप मुझे देख रही हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे पास ललित खंडेलवाल ग्वालियर मध्य प्रदेश से। ललित जी ने भी शेयर किया है मेरा वीडियो, तो मेरे को लाइबिलिटी बनती है ललित जी को बताने का। ललित वर्मा, ओके, 20 नवंबर 1994। अच्छा, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ललित जी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ललित जी। 100% होगा, गवर्नमेंट जॉब के पूरे पूरे चांसेस अभी कुंडली में बने हुए हैं, लेकिन 20 नवंबर 2021 के बाद में आपकी कुंडली में एक्चुअली होता क्या है कि कुंडली के जो पूरे 12 भाव होते हैं उसमें 10वां घर जो होता है वो नौकरी का होता है, और 10वें घर की जो दशा है वो आपको नवंबर 2021 में आएगी ललित जी। 100% आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन रहे हैं, डोंट वरी। अच्छा, रिया गुप्ता, ये भी ग्वालियर से है, ग्वालियर से बहुत क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास। रिया गुप्ता 16 नवंबर 1996 PM। ओके रिया जी, कालसर्प दोष आपकी कुंडली में पूर्ण कालसर्प दोष है, मैं बोलूँ आपको आपकी कुंडली में पूर्ण कालसर्प दोष है। कालसर्प योग और कालसर्प दोष दोनों में बहुत अंतर है, ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। आपकी कुंडली में 100% संपूर्ण कालसर्प दोष है, तो वेरी केयरफुल। आकाश प्रताप सिंह तोमर, ओके ओके जी, नवीन जी बिल्कुल पहचान गया मैं आपको। नवीन जी क्यों नहीं पहचानूंगा मैं आपको, नवीन जी बिल्कुल पहचान गया मैं आपको। अगला क्वेश्चन मेरे पास में है, एक मिनट, संगीता त्रिवेदी दतिया मध्य प्रदेश से क्वेश्चन है, इनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, ओके, 1989 का बर्थ है संगीता त्रिवेदी। ओहो संगीता जी, स्थिति बड़ी गड़बड़ है, सप्तम भाव में आपके शनि और मंगल हैं, पहली बार तो शादी होना मुश्किल, अगर हो भी गई तो डिवोर्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। इसका कुछ शांति उपाय, आप किसी नज़दीकी आपके शहर या टाउन में जो भी आपके पंडित जी हों उनसे इनका शांति कराइए, उसके बाद ही विवाह का सोचिए, क्योंकि विवाह होना मुश्किल नहीं है लेकिन विवाह आगे सही तरीके सक्सेसफुल हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ भाई, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करें, जो शेयर कर रहे हैं उन्हीं के क्वेश्चंस मैं पहले ले रहा हूँ, क्योंकि लाइबिलिटी बनती है मेरी, उनको पहले बताना। पिंकी जी मैं आपका देख रहा हूँ, आपका क्वेश्चन मुझे एक बार बताइए कि शादी कब होगी। पिंकी जी, ओके मैं बता रहा हूँ पिंकी जी आपको, पिंकी जी ने भी शेयर किया है। पिंकी जी लाइबिलिटी बनती है, पहले मुझे आपको बताना, ओके 14 जुलाई, ओके 14 जुलाई 1986, ओके 1986 8:30 PM ग्वालियर मध्य प्रदेश, ओके। ओके पिंकी जी, मंगल अनि कुंडली है आपकी, और जो है आपका जो है कन्या राशि है आपकी, आपके विवाह का योग सितंबर में आपको गुरु आ रहे हैं, आपके 100% विवाह योग बन रहे हैं, 100% आपके विवाह योग बन रहे हैं, और अगर विवाह हो जाए तो प्लीज़ मुझे मेरे मेल आईडी पे या मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मेरा फीडबैक जरूर दें। अविनाश शुक्ला जी नमस्कार। अगला क्वेश्चन मेरे पास में है, आई थिंक प्लीज़ आप लोग मुझे मैसेंजर पे मैसेज ना करें, बहुत मैसेज आ रहे हैं, मैं जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे। अनिता मृग जी, आर यू देयर, आप हैं, आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर रही हैं, प्लीज़ अगर हो तो प्लीज़ लाइक करके मुझे अपनी एब्सेंस बताएं मुझे। अगला क्वेश्चन मेरे पास में नंदिनी तिवारी मुंबई से, ओके नंदिनी तिवारी जी का क्वेश्चन, ओके 65 अक्टूबर 1989। ओके नंदिनी बूटी का काम करें, बेस्ट है नंदिनी जी बूटी का काम आपके लिए, आपकी वृषभ राशि है और वृषभ लग्न है, शुक्र आपके लग्न में बैठे हुए हैं, इससे अच्छा कोई काम आपके लिए नहीं हो सकता, आपके लिए बेस्ट है बूटी का काम। एक डायमंड जरूर पहने और वाइट कपड़े आप ज़्यादा पहने, आपका बिजनेस बहुत प्रोग्रेस करेगा।
भाई प्लीज़ मुझे मैसेंजर पे मैसेज ना करें, मुझे प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है सामने मुझे मैसेज करें आप लोग। अनिता मलिक जी आर यू देयर? आई थिंक नहीं है, मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर रही है कंटिन्यू। अगली कुंडली मेरे पास में है नितिन तिवारी बेंगलोर से, ओके 21 नवंबर 1995 2:30 PM बेंगलोर। जी सिंह साहब आप अपने बेटे का डिटेल्स मुझे एक बार भेजिए, वो आई थिंक ऊबर चला गया। सिंह साहब मैं आपके बेटे का ही बताता हूँ, मैं नितिन जी का बताऊँ। मैं नितिन जी का क्वेश्चन लव मैरिज को लेके है, सीरियस अफेयर चला है किसी से 7 साल से, लेकिन मैरिज नहीं हो रही है। नितिन जी आपका शुक्र राहु के साथ बैठा है, और लव मैरिज का जो ग्रह है वो शुक्र होता है, और शुक्र जब राहु के साथ बैठ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है आपका अफेयर मैरिज में कंडक्ट होना। प्लीज़ एक डायमंड पहनिए, और नेक्स्ट ईयर सितंबर 21 के बाद में आपके मैरिज के योग बन रहे हैं। अगर मैरिज आपकी हो जाए तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सिंह साहब आपके बेटे का डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए। सिंह साहब का मैसेज मेरे पास मैसेंजर पे आ रहा है। सनी सिंह जी अगर है तो प्लीज़ मुझे बताइए। सनी सिंह जी ने 3-4 शेयर करें, मेरी लाइब्रेरी बनती है सनी सिंह साहब को बताने की। अगला क्वेश्चन मेरे पास में ओके अविनाश शर्मा, अविनाश शुक्ला जी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अविनाश शर्मा मेरे पास में है हैदराबाद से, ओके। ओके इनका कोई मैरिज को लेके है, ओके मैरिज नहीं हो रही है। सर ऐसे योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। ओ अलका जी थैंक यू वेरी मच। सर 7th हाउस में आपके मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है, मैरिज होना, होने के बाद सक्सेस होना वेरी 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 डिफिकल्ट, तो प्लीज़ मंगल राहु का कुछ उपाय कराइए, और एक 8 कैरेट का मोती पर्ल जो है अपने राइट हैंड की लिटिल फिंगर में आप जरूर पहन के रखिए। जो लोग शेयर कर रहे हैं, मैं अर्चना जी शेयर जरूर करिए, संगीता जी प्लीज़ शेयर करिए मेरा वीडियो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले पाऊँ। जो लोग शेयर कर रहे हैं, पहली लाइब्रेरी मेरी बन रही है कि मैं उन लोगों को बताऊँ। फर्स्ट लाइब्रेरी मेरी उन्हीं की बन रही है। ओके संगीता जी एग्जैक्ट क्वेश्चन बताइए, हमें फ्यूचर पूछा है, फ्यूचर बहुत बड़ा होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे लिख के बताइए जिसे मुझे बताने में आपको आसानी होगी, प्लीज संगीता जी। अगला क्वेश्चन मेरे पास में है अजय शुक्ला, अजय शुक्ला है निवाड़ी मध्य प्रदेश से। संजीव जी नमस्कार, संजीव जी जो है ये मेरे बड़े भाई हैं और झांसी यूपी से बोल रहे हैं। संजीव जी आपको 2 क्वेश्चन है, मैं आपको ऑफलाइन ही दूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं ऑनलाइन आपको नहीं दे पाऊंगा, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए संजीव जी, मैं श्योर आपको बताऊंगा। इसके पहले शनि कुमार जी का क्वेश्चन ले लें भाई, हम शनि जी बहुत देर से मुझे मैसेज कर रहे हैं और शेयर भी किए शनि जी ने मुझे बहुत। जी नवीन जी बिल्कुल आपको मैं लूँगा, पहले मैं शनि कुमार जी ले रहे हैं, शनि जी ने मेरे बहुत शेयर किए हैं, शनि जी का क्वेश्चन ले लूँ मैं। 26 नवंबर 2014 2:30 PM है, 2:30 AM शनि जी प्लीज़ मुझे बताइए आप जल्दी। सही 2:30 PM के AM है, जल्दी मुझे बताइए आप, 2:30 PM ही है आई थिंक हैदराबाद, ओके तेलंगाना हैदराबाद। सनी जी वृषभ लग्न है आपके बेटे की और वृश्चिक राशि है, गुस्सा बहुत तेज रहेगा इसका क्योंकि वृश्चिक राशि है बच्चे की, शुक्र अष्टम इसका लग्न है, शुक्र जो अष्टम में है, इसको एक सफ़ेद ओपल हमेशा पहना के रखिए, बहुत ज़रूरी है इसके लिए सफ़ेद ओपल पहनना। एजुकेशन वाइज कुंडली बहुत अच्छी है, सूर्य बुद्ध का बुधादित्य योग इसके भाग्य में बना हुआ है, ये लगा गजिस्टर्ड ऑफिसर या सिविल सर्विस में प्रिपरेशन करेगा, 100% इसकी नौकरी लगेगी, फ्यूचर बहुत ब्राइट है शनि सिंह जी। अगली कुंडली मेरे पास में एक सेकेंड, ये संगीता शर्मा रीवा मध्य प्रदेश से हैं, संगीता जी ने बहुत शेयर किए हैं, संगीता जी मैं आपको बताता हूँ।
ओके, इनकी बेटी की कुंडली है संगीता जी की, शादी नहीं हो रही है 20 नवंबर 1996। अभी 24 साल की उम्र संगीता जी आपकी बेटी की, अभी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी अभी 3 साल का टाइम है इसकी शादी होने में, तो प्लीज़ वेट करिए, 2024 के बाद ही इसकी शादी के योग हैं, अप्रोक्सीमेट आफ्टर 3 ईयर्स, तो प्लीज़ वेट। मित्रों क्वेश्चंस बहुत है मेरे पास, टाइम जो है लिमिटेड है, मैं आप सभी लोगों से, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाया। मैं फ्राइडे रात 9 बजे जिन लोगों के क्वेश्चन मेरे पास में आ गए हैं, मैं 100% आप लोगों के क्वेश्चन देख के आप लोगों को फ्राइडे रात 9 बजे मैं आप सभी लोगों के आंसर दूंगा। उमेश मित्तल जी जय श्री राम, उमेश जी नमस्कार आपको, मैं आप सभी लोगों के मैं एवरी वेडनेसडे फ्राइडे एंड संडे रात को 9 बजे लाइव रहूँगा। आपके जितने लोगों को भी क्वेश्चन मेरे पास में आ गए हैं, मैं सभी का फ्राइडे रात को 9 बजे 100% आंसर देने की कोशिश करूंगा। आप लोग मेरे साथ हफ्ते में 3 बार बुधवार शुक्रवार और रविवार बने रहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को। अनिता मलिक जी मैं आपको ऑफलाइन देता हूँ, वेरी सॉरी अनिता जी मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले पाया, मैं फ्राइडे को रात 9 बजे आपके साथ रहूँगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी सॉरी मैं का अभाव है, मैं फ्राइडे को रात 9 बजे पुनः आपको एक बार बोलूँ मिलूँगा। अगर आप लोगों के कोई विशेष क्वेश्चन हो, मुझे व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हो, तो मेरा नंबर 7702620132 पर मुझे मैसेज करें, मैं नंबर आपको एक बार और बोल दूं, 7702620132। प्लीज़ नमस्कार, शुभ रात्रि।